डीवी पब्लिक स्कूल एनटीपीसी हिरंदर नगर में राष्ट्र के लिए खादी, फैशन के लिए खादी के लिए जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रत्येक वर्ष केंद्र सरकार द्वारा 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक खादी महोत्सव अभियान चलाया जाता है। आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में खादी को पुनः जन जन तक पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। खादी हमारी स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हथियार था। गांधी जी के आह्वान पर एक और जहाँ खादी के उपयोग के द्वारा ब्रिटिश कपड़े के व्यापार को भारी नुकसान पहुँचाया गया, साथ ही खादी ने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को एक रोजगार भी प्रदान किया था। विद्यालय के प्राचार्य श्री राजकुमार ने अपने संदेश में कहा कि खादी हमारी स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाता है। यह हमारे लिए पोशाक ही नहीं बल्कि हमारी पहचान भी है। यह कुटीर उद्योग का आधार है। आज भी खादी हमारे देश के लाखों लोगों की रोजगार का आधार है। खादी हस्तकरघा से जुड़े लोगों की जीवन को उपार्जन का प्रमुख माध्यम है। उन्होंने कहा कि खादी की पोशाक देश के विकास के लिए तो जरूरी है ही, फैशनेबल में भी कम नहीं है। डॉक्टर आर के झा ने खादी अपनाने पर बल दिया है। वहीं सामाजिक विज्ञान के शिक्षक अनंत मोहन ने सभी को शपथ दिलाते हुए कहा कि खादी आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, इसलिए खादी के संवर्धन और विकास के लिए जन जन को आगे आना चाहिए एवं खादी को अपनाना चाहिए। उसे बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष केंद्र सरकार ने एक निर्देश जारी किया है, जिस निर्देश के तहत हम सबों को शपथ लेना है कि हम अपने जीवन में खादी का उपयोग करेंगे। खादी फॉर नेशन एंड खादी फॉर फैशन के नाम से ये शपथ ग्रहण का एक समारोह आपके सामने। शपथ के लिए सभी टीचर्स एवं विद्यार्थी शपथ की अवस्था लेंगे, शपथ की अवस्था लें। खादी आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। खादी के संवर्धन और विकास के लिए लेता हूं कि मैं खादी ग्रामोद्योग एवं अन्य स्थानीय उत्पादों का उपयोग करूंगा। मैं खादी के उन्नयन और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने का समर्थन करूंगा।